एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसका मूल इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन का जो मूल आएगा वो दोनों मूल रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल। तो मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन के दो रूट अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा, पर ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब यदि पहला एक्स है तो दूसरा 1/x है, तो पहला अल्फा है तो बीटा जो होगा वो हो जाएगा 1/अल्फा, तो दो रूट से अल्फा और 1/अल्फा। तो चलिए सबसे पहले सम निकाल लिया जाए। सम होता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा, सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a। माइनस बी यहाँ पे है माइनस पी बाई ए, मतलब 1 बराबर माइनस पी। और प्रोडक्ट कितना है इसका, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा करेंगे, कट के हो जाएगा 1। और ये होता क्या फॉर्मूला में, c/a, c/a मतलब 1/1 मतलब 1। तो हमारा सम आ गया माइनस पी और प्रोडक्ट आ गया 1। और हम जानते हैं कि यदि सम और प्रोडक्ट दिया रहा तो हमारा समीकरण जो बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण।